संभल जिले के DPRO ने जिले भर के सफाई कर्मी और सचिवों के लिए फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अस्वच्छता के चलते कोई बीमार होता है अथवा किसी की मौत होती है तो उसके लिए सफाई कर्मी और सचिव कसूरवार होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बताते चले कि संभल जिले में डेंगू, मलेरिया और बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले भर में अब तक कई दर्जन लोगों की डेंगू बुखार के चलते मौत हो चुकी है। भले ही स्वास्थ्य विभाग गांवों में शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने का दावा करता हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। वही इन सब से इधर संभल जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने फरमान जारी किया है। उन्होंने आदेश दिए कि सफाई कर्मी और पंचायत सचिव गांव में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें। इसके अलावा अस्वच्छता के चलते अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है अथवा बीमारी के चलते उसकी मौत होती है तो संबंधित ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी और पंचायत सचिव कसूरवार ठहराए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। DPRO ने आदेश में क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, जिस तरह से डेंगू मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, गांवों में लगातार संक्रमण फैल रहा है, तो उसको लेकर क्या आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी तैनात हैं, उनको ये निर्देश हैं कि वो नियमित रूप से गांव में जाएं और साफ सफाई करें। इसके अतिरिक्त संबंधित जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि सफाई कर्मी के साथ साथ आवश्यकतानुसार अन्य मजदूरों को लगाकर गाँव की साफ सफाई कराएं, वहाँ पे फॉगिंग कराएं, एंटी लार्वा जो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए प्रयोग होता है उसका प्रयोग करें, और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, कहीं भी कोई जलभराव ना हो। लोगों को जागरूक करें कि साफ पानी भी कहीं पे इकट्ठा ना होने दें। लगातार देखा जा रहा है कि गांवों में जिस तरह से केस सामने आते जा रहे हैं और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, गाँवों में गंदगी है, तो उसको लेकर क्या कुछ निर्देश हैं? देखिए, जहाँ पे गाँव में अगर गंदगी पाई जाएगी तो वहाँ के संबंधित सफाई कर्मचारी और संबंधित सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यदि अस्वच्छता की वजह से किसी की मृत्यु होती है या कोई बीमार होता है तो संबंधित सफाई कर्मी और ग्राम पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।